कक्षा 12 हिंदी। मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 10 छोटा मेरा खेत उमा शंकर जोशी द्वारा लिखित कविता है। ये चलिए देखते हैं, ये उमा शंकर जोशी जी हैं और उनकी ये कविता है छोटा मेरा खेत। जरा पढ़ लेते हैं इस कविता को भी। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्प से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। चलिए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। उमा शंकर जोशी का जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ था। आप गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, परंपरा का गंभीर ज्ञान रखने वाले। अपने 20वीं सदी में गुजराती साहित्य को एक नए आयाम दिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप सहभागी रहे। सन 1988 में आपका देहावसान हो गया। रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी लिखी इन्होंने। विश्व शांति है, गंगोत्री है, निशित है, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी है, सपना भारा, शहीद कहानी है, श्रवण मेड़ो, वी सामो उपन्यास है, पराकांजिया निबंध है, गोष्ठी, उधाड़ी बारी, कलांत कवि, मारा सनेट, स्वप्न प्रयाण, संपादन अभिज्ञान, शकुंतलम, उत्तर रामचरित, गुजराती में अनुवाद है। ये काव्यगत विशेषताओं की बात कर लो, एक कवि के रूप में उमा शंकर जोशी जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में काव्य सृजन करने वाले भारतीय आधुनिक वादिताओं में आप अन्यतम है। भाषा शैली उमा शंकर जोशी की साहित्यिक में सरलता व सहजता है। सौंदर्य के ब्यौरों का चित्रात्मक वर्णन दर्शनीय है। मानवतावाद प्रकृति सौंदर्य का चित्रण आपने गजब किया है। आपकी काव्य शैली बोलचाल की सामान्य भाषा में है। कविता का सार देखते हैं बच्चों। कवि कविता में कर्म और कृषि में साम्य स्थापित करता है। वह कहता है कि किसान खेत में, जबकि कवि समाज में कल्पना के पन्नों रूपी खेत में शब्द रूपी बीज बोता है। वह बीज वैचारिक आंधी में उड़कर उसके पास आया है। जैसे किसान रसायनों का उपयोग कर फसल को परिपक्व बनाता है, वैसे ही कवि कल्पना के रसायन से अपने भावों को परिपुष्ट करके शब्दों का प्रयोग करता है। जब शब्दों का सही सामंजस्य हो गया तो रचना का अंकुरण होने लगा और तब शब्द अर्थ के पक्ष पुष्पों के भार से लदी कविता साकार हो गई। कविता रूपी फल से इतने अलौकिक रस और अमृत तत्व की प्राप्ति हुई कि जग तृप्त हो उठा। भाव रूपी बीजों की उगाई गई फसलों को जितनी काटो उतनी ही बढ़ती जाती है। इसकी प्रासंगिकता और मूल्य सदा बना रहता है। चलते हैं अब एक एक अंश के शब्दार्थ और संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लेते हैं। तो छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहां बोया गया। शब्दार्थ देखते हैं। चौकोन मीन्स चारों कोनों वाला, अंधड़ मीन्स आंधी, क्षण मीन्स पल या समय। संदर्भ देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक
आरोह भाग दो में शामिल उमा शंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कोई भी कृति या रचना ठीक खेती की फसल के भांति होती है। व्याख्या लेते हैं। कवि कहता है कि मेरा यह कागज का पन्ना मेरे लिए चौकोने खेत की तरह है, जिसमें कवि उपयुक्त समय भाव रूपी बीजों को बोता है। कवि ने स्वयं को किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। किसान के कृषि कार्य की भांति कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए वह भाव रूपी बीज अपने चौकोने कागज रूपी खेत में बोने की बात करता है। भावनाओं की प्रबलता अंधड़ रूप में कवि के दिलो दिमाग में आई और उसने कवि को काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिया। इसके फलस्वरूप उसने अपने कागज के खेत में क्षण की रोपाई की। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसके प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना किससे की है? तो उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना खेती के कार्य से की है। खेती में फसल उपजाने के विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों से वह अपने रचना कर्म को व्यवस्थापित करता है या व्यवस्थापित किया है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताएं कि कवि अपने छोटे चौकोने खेत में क्या बोता है। तो उत्तर है बच्चों, कवि अपने छोटे चौकोने खेत में जो कागज का एक पन्ना है क्षण के बीज बोने की बात कहता है। क्षण का बीज वह विशेष परिस्थिति है जब कवि को रचना करने की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अंधड़ कहीं से आया से कवि का क्या आशा है? उत्तर है बच्चों, ये अंधड़ मतलब कवि के मन के भावों के उद्वेग से है। जैसे आंधी पानी खेती के कार्यों में वर्षा के मौसम के सूचक हैं, वैसे ही मन में मनोभावों के वेग के उमड़ने से अंधड़ जैसी स्थिति पैदा होती है जो कृति के रूप में ढल जाने पर ही शांत होती है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के कवि एक कविता के शीर्षक के बारे में बताइए। चलिए उत्तर है, ये काव्यांश के कवि उमा शंकर जोशी और कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत है। प्रश्न है, इस काव्यांश का भाव सौंदर्य प्रकट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना खेत से की है तथा कृषि कर्म के रूपक द्वारा काव्य की रचना का वर्णन किया है। प्रश्न है, इस काव्यांश के शिल्पगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो चलिए प्रकाश भी डालते हैं बच्चों। ये है, भाषा संस्कृतानिष्ट शब्दावली से संपन्न है। कविता में प्रतीकात्मकता है। शैली बिंब प्रधान है। कृषि कर्म के रूपक द्वारा काव्य रचना के आनंद को प्रकट किया है। पल्लव पुष्पों में अनुप्रास अलंकार है। अगले पार्ट को देखते हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो पहले शब्द देख लेते हैं। रसायन मीन्स खाद ऊर्जा, निशेष मीन्स पूरी तरह, पल्लव पुष्प मीन्स कोमल पत्ते एवं फूल, नमित मीन्स झुका हुआ, विशेष मीन्स खास तौर पर। चलिए संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में शामिल उमा शंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने कवि कर्म प्रक्रिया के अगले चरण का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि अपने कागजी खेत पर मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया वह कालांतर में कल्पना के रसायनों उर्वरकों को अवशोषित कर पूरी तरह गल गया।
और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ कवि खेती के अंकुरण की प्रक्रिया के रूपक के सहारे अपने रचना धर्मता में भावों के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहा है। कवि शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से मुक्त हो जाने की बात कहता है। कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर कृति का रूप धारण कर लेते हैं। प्रश्न है, कल्पना के रसायनों से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों, कल्पना के रसायनों में कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए इसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार खेत में उगी फसल को विकसित करने हेतु रसायनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर सुंदर एवं समृद्ध साहित्य की रचना करने के लिए कल्पना रसायन का कार्य करती है। प्रश्न है, बीज के गल जाने के बाद उसका क्या हुआ? काव्यांश के आधार पर बताइए। तो उत्तर है बच्चों, बीज के गल जाने के बाद उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटे, अर्थात कवि के मनोभावों ने कविता के शब्दों का रूप ले लिया। नंबर तीसरा है, शब्द रूपी अंकुर समय के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार विकसित हुए? तो उत्तर है बच्चों, ये शब्द रूपी अंकुर समय के परिप्रेक्ष्य में और अधिक भाव समृद्ध होकर कृति रूपी फसल के रूप में विकसित होकर दिखाई पड़ने लगे, अर्थात कवि के मनोभावों से फूटे शब्दों ने साहित्य रचना का रूप ग्रहण कर लिया। प्रश्न है, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, कविता जब भाव रूपी पक्षों और पुष्पों से लद जाती है तब उसमें एक विशेष झुकाव आ जाता है। यह विशेष झुकाव समर्पण का प्रतीक है। प्रश्न है, काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों, कल्पना के रसायन पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ कल्पना एवं रसायन के बीच एकात्मकता स्थापित होने के कारण रूपक अलंकार है। गल गया पद में अनुप्रास अलंकार एवं बीज में श्लेष अलंकार है। काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों, ये प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जिसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें सांस्कृतिक निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन भाषा सहज है, सहज एवं बोधगम्य है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगले पार्ट को देखते हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चपोना, छोटा मेरा खेत चपोना। चलिए शब्द देख लेते हैं बच्चों। अलौकिक मीन्स दिव्य, रस मीन्स साहित्य का आनंद, रूपाई मीन्स रूपा गया, अनंतता मीन्स सदा के लिए, अक्षय मीन्स जिसका क्षय न हो, पात्र मीन्स बर्तन, जरा मीन्स थोड़ा। संदर्भ देखते हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में शामिल उमा शंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है। प्रसंग देखिए, कवि इन पंक्तियों में अपने रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि भावों रूपी उद्वेग भावाभिव्यक्ति के अनुकूल पल में रोपने और कल्पना रूपी उर्वरकों यानी रसायनों के पोषण से कविता के रूप में पल्लवित व पुष्पित हो जाती है, तथा उसमें विचार फल अलौकिक रस से भरे अमृत की तरह आनंददायी लटकने यानी झूमने लगते हैं। इस तरह काव्य रचना में क्षण विशेष महत्व रखता है, किंतु कविता रस का आस्वादन अनंत काल तक की जाती है। कविता से मिलने वाले इस रस का स्रोत कभी सूखता नहीं है, रस की धारा अनवरत बहती है। काव्य के
इस रस को जितना ही बांटा जाए उतना ही बढ़ता तथा लोगों को आनंदित करता है। मेरा यह छोटा चकोर खेत रस से भरा एक ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी नहीं सूखता। कवि ने फल किसको बताया है? तो उत्तर है बच्चों, कवि ने कविता को फल बताया है। फूलों के बाद पौधों पर फल लगते हैं, वे लोगों को परम संतुष्टि देते हैं करते हैं। भाव जब कविता के रूप में प्रकट होते हैं तो पाठकों और श्रोताओं को आनंद देते हैं। अगला प्रश्न है, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती से क्या आशा है? तो ये उत्तर है बच्चों, काव्यानंद कभी कम नहीं होता। काव्य रस को जितने लोग जितनी बार पीते हैं वह उतना ही अधिक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र क्या है? तो उत्तर है बच्चों, रस का अक्षय पात्र काव्य है। काव्य में ही रस व्याप्त रहता है। प्रश्न है, कवि ने काव्य को अनंत क्यों कहा है? तो उत्तर है बच्चों, काव्य अनंत है। कविता का आनंद उसकी सरसता कभी समाप्त नहीं होती। काव्य का प्रभाव स्थान तथा समय की सीमा लांघ कर लोगों को सुख देता है। प्रश्न है, कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, कविता का शीर्षक छोटा मेरा खेत और कवि का नाम है उमा शंकर जोशी। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में अलंकार निर्देश कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कागज पर खेत आरोप होने से संगरूपक अलंकार है। फल रस रोपाई तथा कटाई आदि द्वि अर्थी अर्थात दो अर्थों वाले शब्द हैं। नंबर दूसरा प्रश्न है हमारा, काव्यांश के भाव पक्ष के बारे में बताइए। तो उत्तर है बच्चों, कवि ने कृषि कर्म से काव्य रचना की समानता प्रकट की है। कवि ने बताया है कि काव्य का आनंद हर समय हर देश में प्राप्त होता है। इस बात को कवि ने कटाई अनंतता में व्यक्त किया है। प्रश्न है, छोटे चौके ने खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या अर्थ है? तो उत्तर है, कवि रचना कर्म की तुलना कृषि कर्म से करता है। वह कागज के पन्ने को चौकोने खेत की संज्ञा देता है। कवि का मानना है कि खेत में जिस प्रकार बीज जल रसायन इत्यादि डालने के बाद उपज प्राप्त की जाती है उसी प्रकार कोई भी रचना भाव कल्पना इत्यादि के कारण अस्तित्व में आती है। शब्द रूपी बीज को खेत रूपी कागज के पन्ने पर डालने के साथ अंधर रूपी भावनाएं तथा कल्पनाएं रूपी रसायन के सह अस्तित्व की जरूरत होती है। इसके बाद ही रचना अपना सार्थक स्वरूप ग्रहण कर पाती है। प्रश्न है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो उत्तर है बच्चों, रचना के संदर्भ में अंधड़ से अभिप्राय भावों के उद्वेग से है तथा बीज से अभिप्राय अभिव्यक्ति निमित्त विचारों से है। विचार रूपी बीज एवं उनकी प्रबलता पल एवं वातावरण पर निर्भर करती है। प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं को इंगित किया है? तो उत्तर है बच्चों, कवि ने रचना को रस का अक्षय पात्र कहा है। कवि मानता है कि रचना कर्म तथा कृषि कर्म में गुण साम्य है, किंतु यह गुण साम्य फसल के पकने तथा रचना के पूर्ण होने तक का ही है। एक ओर जहां फसल सीमित समय तक ही रस तथा स्वाद प्रदान करने में सक्षम होती है, वहीं रचना अनंत काल तक पाठकों को आनंद प्रदान करने में सक्षम होती है। कवि रचना को रस का अक्षय पात्र कहता है, तो इसमें रचना कर्म की तमाम विशेषताएं सामने आ जाती हैं, जिसमें संवेदना भाव तथा कल्पना को एक नई दिशा मिलती है। व्याख्या करना है बच्चों, व्याख्या करें। पहला है,
शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और दूसरा है रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। चलिए इन दोनों को देखते हैं, व्याख्या करना चालू। सबसे पहले पहले की व्याख्या है। जब कवि के मन में भाव जागृत हुआ तब उसे बीज के रूप में रोपा गया, जब उसमें विचार के रसायन मिले तब उसमें धीरे धीरे शब्द रूपी अंकुर फूटे, अंकुर फूटने पर वह पौधा पल्लव पुष्पों के भार से झुक गया, उसी प्रकार शब्द अंकुरित होने पर उसमें काव्य के अनेक गुण आ गए एवं कविता स्वयं अभिव्यक्ति के योग्य हो गई। वह रस छंद अलंकार ध्वनि कल्पना बिंब विचारों के पल्लव पुष्प से युक्त होकर एवं संपूर्ण कविता का रूप धारण कर उपस्थित हो गई। दूसरे का है उत्तर बच्चों, यह फसल की रोपाई को तो क्षण भर में संपन्न की जाती है, इसी प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कवि के द्वारा भोगा हुआ अनुभव सत्य किसी क्षण विशेष में ही उपस्थित होता है, जिसे कागज पर अंकित कर दिया जाता है, किंतु कविता रूपी फसल की कटाई तो अनंत काल तक चलती रहती है, इसका रस और आनंद असीमित होता है। यह तो वह अक्सर पात्र है जिसका रस जितना लुटाओ वह कम नहीं होता, इस प्रकार से कविता कालजयी होती है, वह पाठकों को अनंत काल तक आनंद प्रदान करती रहती है। प्रश्न है, शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों चित्रों ध्वनि योजना अथवा रूप रस गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों के साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है, इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब का खोज करें। तो उत्तर है वस्तुओं, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित चक्षु चाक्षुष बिंब उभर कर आते हैं। नंबर एक है छोटा मेरा खेत चौकोना, नंबर दो है कागज का एक पन्ना, नंबर तीन है कोई अंधड़ कहीं से आया, नंबर चार है शब्द के अंकुर फूटे, नंबर पांच है पल्लव पुष्पों से नमित, नंबर छह झूमने लगे, नंबर सात अमृत धाराएं फूटती हैं, नंबर आठ है नभ में पाती बांधे बंगलों की पांखे, और नंबर नौ है कजरारे बादल की छाई नभ छाया, और नंबर दस है तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया इत्यादि। ये बगलों की पंखे, ये बगलों वाला जो है अभी कविता इसके बाद आने वाली है, वो बाद में बताना है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। यह है जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है, इस कविता में रूपक का चुनाव करें। तो उत्तर है बच्चों, नंबर एक क्षण का बीज, क्षण रूपी बीज, नंबर दो है कल्पना के रसायनों यानी कल्पना रूपी रसायनों, नंबर तीन है शब्द के अंकुर शब्द रूपी अंकुर, और नंबर चार है पल्लव पुष्पों यानी पल्लव रूपी पुष्पों। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? तो उत्तर है बच्चों, अक्षय पात्र का अर्थ है हमेशा भरा रहने वाला पात्र, यह पात्र कभी खाली नहीं होता, कविता का रस चिरकालिक होता है, रस के अक्षय पात्र से रस जितना बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता है, खेती की फसल खत्म हो जाती है परंतु रचना का रस कभी खत्म नहीं होता, वह अनंत काल तक बहता रहता है। प्रश्न है छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, इस कविता में कवि ने कवि कर्म को कृषक कर्म के समान बताया है, जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तथा परिपक्व होने पर वह सभी का पेट भरता है, उसी प्रकार कागज रूपी खेत पर भावनात्मक आंधी से बीजारोपण होता है और कल्पना का आश्रय पाकर यही भाव विकसित होकर रचना का रूप धारण करता है, पाठक इस रचना के रस को रसास्वादन अनंत काल तक करता है, यानी इसका रसपान अनंत काल तक करता है।
अगला प्रश्न है, चौकोने खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा है? उस खेत में रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की कैसे है? उत्तर है, कवि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहता है क्योंकि कवि का कहना है कि कवि कर्म भी खेती के कार्य की तरह ही है। खेती में रोपाई से कटाई तक की क्रिया प्रक्रिया अनंत अत्यंत शारीरिक एवं मानसिक श्रम से युक्त होती है। इस प्रकार कविता का सृजन भी मानसिक श्रम साध्य कार्य है। इससे भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्रश्न है, कल्पना के स्वाद रसास्वादन को पी से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है बच्चों, रचनात्मक तथा कवि कर्म कवि के लिए समान धर्मा प्रक्रिया है। जिस प्रकार खेत में खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए किसान बीज जल तथा रसायनों का उपयोग करता है, उसी प्रकार एक कवि रचना के सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को पन्नों पर डालता है। शब्दों को भाव संवेदना के जल से सिंचित कर कल्पना के रसायन को पीकर आनंद रस से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ कवि रचना के लिए कल्पना को महत्व प्रदान करता है। उसका मानना है कि कल्पना के रसायन से रचना अधिक परिपक्व तथा अनंतता को प्राप्त होती है। चलिए अगली कविता की तरफ पढ़ते हैं, वह है बंगलों के पंख। बंगलों के पंख से कविता है, ये भी अगली कविता ने की थी, तो चालू करते हैं। नभ में पाती बांधे बंगलों के पंख, चुरा लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती पाती बगलों की पंखे, ये वो बगलों का चित्र दिया हुआ है जो एक पंक्ति में उड़ते हैं सब, और इस तरह से आंखों को बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं बगलों के पंख की जो है इसका सारांश लेते हैं। यह एक प्राकृतिक परक काव्य रचना है। इसमें कवि ने सांझ के सौंदर्य का चित्रण किया है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, संध्या का मनोहारी समय है। सफेद पंखों वाले बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में विहार कर रहे हैं। कवि इन बगलों के सौंदर्य में खो जाता है। उसे लगता है कि बगलों की पंक्तियां उसके नेत्रों को चुरा लेंगी, अर्थात यह दृश्य अत्यधिक सम्मोहक है। प्रश्न है, बगलों के पंख कविता को पढ़ने से आपके मन में कैसे चित्र उभरते हैं? उनकी किसी भी अन्य कला माध्यम में अभिव्यक्ति करें। तो उत्तर है, बगलों के पंख कविता का सौंदर्य अद्भुत है। यह लोक जीवन तथा परंपरागत सौंदर्य से जुड़ा है। काले बादलों में ढके आकाश में गुजरते श्वेत बगलों के पंख मानो एक जीवन चित्र उपस्थित करते हैं। यह मूल सौंदर्य को उभारते हैं। काले बादलों के बीच उड़ते सफेद बगलों से सांझ का वह दृश्य सामने आता है जब उड़ते हुए बगले अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ते हैं। इस गतिशील सौंदर्य को संवेदनशील होकर देखना आंखों को जादू से बांध लेना है। प्रश्न है, बगलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों, बगलों के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने चित्रात्मक वर्णन को महत्व दिया है। यह चित्र तथा उनके मन पर पड़ने वाला प्रभाव कविता का वर्ण्य विषय बन गया है। वस्तुगत तथा आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते सफेद बगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि को इस दृश्य का सौंदर्य मोहित कर देता है। कवि सब कुछ भूलकर इस माया से बिंध जाता है।
प्रश्न है उमा शंकर जोशी की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों उमा शंकर जोशी गुजराती साहित्य को नया स्तर देने वाली रचनाकार हैं। उनके साहित्यिक अवदान का प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य पर पड़ा है। उनकी कविता में परंपरा तथा आधुनिकता की संपूर्णता में समेटने का प्रयास मिलता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में नैसर्गिक सौंदर्य तथा उनके मानवीय संबंधों को कवि ने स्पष्ट किया है। संस्कृत के शब्दों का यथास्थान सुंदर प्रयोग मिलता है। मुख छंद की कविता में जीवन की शाश्वत अनुभवों को कवि ने नवीन शैली में प्रस्तुत किया है। कवि कर्म को लोक जीवन से जोड़ने की कला जोशी जी की कविता को विशिष्ट बनाती है। प्रश्न है बगुलों के पंख कविता के आधार पर बताएं कि कवि किसे रोक कर रखना चाहता है और क्यों। तो उत्तर है कवि उमा शंकर जोशी द्वारा बगुलों के पंख कविता में प्रकृति के सौंदर्य की नई युक्तियों से सामने लाया गया है। यही चित्रात्मक का सुंदर निर्वाह हुआ है। काले बादलों के नीचे से उड़ते बगुलों को देखकर कवि ठहर जाता है। वह इस दृश्य को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता है। वह इस नयन विराम दृश्य को देखने के लिए सब कुछ भूलकर अटका सा रहता है। वह इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार करता हुआ भी इस दृश्य के जादू को अपलक निहारना चाहता है। कवि इसे रोके रखने की बात अपने मन पर पड़ने वाले इसके अत्यधिक प्रभाव के कारण करता है। प्रश्न है कवि बगलों के पंख कविता में सौंदर्य से बांधने तथा बिंधने की चरम सीमा को व्यक्त करता है कैसे। तो उत्तर है बगलों के पंख एक सुंदर दृश्य कविता है। कविता से गुजरते हुए एक एक दृश्य चित्र की भांति उभर जाता है। कवि काले बादलों के नीचे से पंक्ति बनाकर उड़ते हैं, बगलों को देखता रह जाता है। ये उसे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना मोहक है कि कवि इसमें अटक सा रह जाता है। इससे कवि इसे माया कहता है। इस दृश्य में कवि प्रकृति सौंदर्य से बांधने तथा बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। ऐसा प्रकृति के दृश्य यानी ऐसा प्रकृति के इस दृश्य को कवि के मन पर पड़ने वाले मोहक प्रभाव के कारण संभव हुआ है। ये पाठ आपका यहीं समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।